प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही की मेडिकल रिपोर्ट उड़ाएगी सबके होश। इतने दिनों में जो भी आरोही के साथ हुआ है उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई हैं और इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। लेकिन अब सच्चाई तब सामने आएगी जब अभिमन्यु और अक्षरा के गणेश पूजन में अब वो अदला बदली कर देगी कार्ड की और सबके सामने अब अभिमन्यु उस पर भड़क पड़ेगा। उसी वजह से आरोही और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी और देखने को मिलेगा वो नींद की गोलियां खा जाती है और अक्षरा को जब पता चलता है तो अक्षरा के होश उड़ जाते हैं। इतनी सारी मेडिसिन खाने की वजह से आरोही की हालत खराब हो जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। लेकिन अब अक्षरा के सामने आ गया है आरोही का ये सदमा, यानी कि वो सिचुएशन जिससे कि वो डिप्रेशन में चली गई है। और यही वजह है कि आरोही इतनी उल्टी सीधी हरकतें करते नजर आ रही है। देखने को मिलेगा कि अक्षरा आरोही का ट्रीटमेंट करवाने वाली है और यहाँ पर अभिमन्यु उसी डॉक्टर के जरिए अब अक्षरा के सामने लाएगा सच कि आरोही डिप्रेशन से गुजर रही है, उसकी मेंटल सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट होश उड़ा देगी कि आरोही को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और साथ में ही उसे अब कोई भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जो उसे डिप्रेशन में ले जाए, जिसके चलते वहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में दूरियाँ आती दिखने वाली हैं। और अक्षरा और अभिमन्यु को ये भी समझ आ जाएगा कि आरोही के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसके साथ बहुत ही बड़ा सदमा उसे लगा है। और यहाँ पर सभी घर वाले मिलकर आरोही को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते में दरार पड़ती नजर आएगी, वो भी शादी में, जहाँ पर अब आरोही की आरोही को संभालते संभालते कहीं ना कहीं अब अक्षरा केयरलेस हो जाएगी अभिमन्यु के लिए, जो कि अभिमन्यु को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और यहाँ पर थोड़ा वो ड्रामा देखने को मिलेगा। देखते हैं कि आरोही कब ठीक होती है और कब ये मामला मैटर सॉल्व होता है।